नेक्स्ट संडे को 2 बजे के आसपास स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो जामिया के एरिया के रेजिडेंट्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। इनका प्रोटेस्ट जो है जामिया एरिया में भी हुआ, उसके बाद ये जो सराय जुलाना चौक पर आते हैं और वहाँ भी हमारा स्टाफ था, प्रॉपर अरेंजमेंट था, मैक्सिमम रिस्ट्रेन कर रहे थे, ये काफ़ी प्रोवोक भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने मैक्सिमम रिस्ट्रेन से इनको वहाँ रोका। मीनवाइल 2 से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक इनका प्रोटेस्ट चल रहा था। 4:30 बजे के आसपास सराय जुलाना से कुछ जो उनमें से प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने एकदम से रूट चेंज किया और वो माता मंदिर मार्ग पे चले गए। माता मंदिर मार्ग आपको मैं बताना चाहूँगा कि NFC के अंदर का एक रोड है, वहाँ रेजिडेंट्स हैं, मेन रेजिडेंट्स हैं। वहाँ जाके इन्होंने थोड़ा, जब इनको पीछे पुश करने की कोशिश की, थोड़ा तोड़फोड़ शुरू कर दी और उसी में ही जो हमने मिनिमम फोर्स का यूज़ किया, क्योंकि वहाँ बसेस को आग लगा दी, वहाँ के रेजिडेंट्स की पैनिक कॉल आनी शुरू हो गई, फिर उनको पीछे खदेड़ने के लिए, ताकि जो मेन था कि उनको वापस फिर सराय जुलाना चौक और उसके पीछे जो इनका जामिया नगर है वहाँ वापस भेज दिया जाए। वहाँ जब इनको पुश किया गया तो मीनवाइल जब पीछे को उनको पुश कर रहे थे, रास्ते में एक होली फैमिली हॉस्पिटल है वहाँ पे पथराव हुआ, उसके बाद और इनको पीछे किया गया। जैसे मैंने बताया कि जो कैंपस शुरू हो जाता है मेन रोड के दोनों साइड, रोड इनका कैंपस एरिया है यूनिवर्सिटी का, वहाँ से पथराव हुआ है, वहाँ से बल्ब ट्यूबलाइट्स वगैरह और बॉटल्स वगैरह भी फेंकी हैं पुलिस के और काफ़ी पथराव हुआ है, और वहाँ पे इनको फिर पीछे पुश करके और इनको जामिया में पुश कर दिया गया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया गया। इसी जो जो इन्होंने वायलेंस की उसमें 4 जो है DTC की बसेस को आग लगी है और हमारी जो पुलिस मोटरसाइकिल्स हैं वो डिस्ट्रॉय किए हैं और 100 के आसपास प्राइवेट व्हीकल्स, जिसमें मोस्टली 2 व्हीलर्स हैं और 10 के आसपास 4 व्हीलर्स भी हैं जिनको इन्होंने नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया है। इसमें बाद में जब हमारे 30 के आसपास पुलिस पर्सनल्स, उनको भी चोट आई है, जिसमें ACP DCP रैंक के ऑफिसर्स हैं, 2 SHOs को फ्रैक्चर आया है, एक हमारा साथी अभी भी ICU में है, और मीनवाइल जो प्रोटेस्टर्स की तरफ से, इनकी तरफ से भी 39 जो है MLC बनी है। मीनवाइल जब इनको हम चेज कर रहे थे, पीछे इनको पुश कर रहे थे, उसमें से हमने कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया था रात को, बाद में इनको वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया गया था। इसी इंसिडेंट पे 2 FIR रजिस्टर हुई हैं, राइटिंग और आर्सनी की FIR रजिस्टर हुई हैं। ये एक FIR NFC में और एक जामिया नगर में रजिस्टर हुई है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच करेगा और हर एक जो पहलू है उसकी जांच की जाएगी। इसके बाद मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि कल का जो प्रोटेस्ट है, इसमें जो हम आपसे भी टाइम टू टाइम इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसमें रूमर्स बहुत चल रहे थे, मैं आपके माध्यम से तमाम दिल्ली वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी रूमर पर ना जाएं। बच्चों को मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि बच्चे चिंता मत करें, घबराएं ना और ना ही किसी बहकावे में आएं। मैं फिर स्टूडेंट्स को भी अपील करना चाहूँगा कि बच्चे चिंता मत करें, घबराएं ना और किसी भी बहकावे में मत आएं। मैं आपको ये भी श्योर करना चाहूँगा दिल्ली पुलिस की तरफ से कि एक्शन जो है उन्हीं के खिलाफ लिया जाएगा जो इस इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो र्यूमर्स हैं, कल हमने देखा, 2-3 मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जो र्यूमर्स फैले थे। एक र्यूमर्स था, जैसे वीडियो भी कोई वायरल हुई, कि पुलिस पर्सनल ने एक बस को आग लगाई है। पहले एक का आया था, फिर दूसरा भी आया। आप बसेस के नंबर हम आपको दे देंगे, बसेस के नंबर जो है, एक का DL1PD0299 है, अगर आप वीडियो में भी देख सकते हैं, और वो बस अभी देख सकते हैं कि उसको आग नहीं लगी, वो चिंगारी थी, इनफैक्ट पुलिस ने उसको बुझाया था। दूसरा एक र्यूमर्स था, अलग अलग र्यूमर्स थे, कुछ कह रहे थे कि कैजुअल्टीज जो है वो 5 हो गई हैं, 3 हो गई हैं, 2 हो गई हैं, 1 हो गई है। फिर आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई।